क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया का दुर्लभ तांत्रिक मंदिर कौन सा है? नहीं पता तो चलिए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यह ऐसा तांत्रिक मंदिर है जिसकी हर ईंट शुभ नक्षत्र में मंत्रों द्वारा सिद्ध करके जमाई गई है। ऐसे मंदिर पूरे देश में कुल तीन है, जिसमें एक बाजनामठ तथा दो काशी और महोबा में है। बाजनामठ का निर्माण सन 1520 ईस्वी में राजा संग्राम शाह द्वारा वटुक भैरव मंदिर के नाम से कराया गया था। इस मठ के गुम्बद से त्रिशूल से निकलने वाली प्राकृतिक ध्वनि तरंगों से शक्ति जागृत होती है। कुछ कथानकों के अनुसार यह मठ ईसा पूर्व का स्थापित माना जाता है। आदि शंकराचार्य के भ्रमण के समय उस युग के प्रचंड तांत्रिक अघोरी भैरव नंद का नाम अलौकिक सिद्धि प्राप्त तांत्रिक योगी के रूप में मिलता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार भैरव और जागृत करने के लिए उनका आह्वान तथा स्थापना नौ मुंडों के आसन पर ही की जाती है, जिसमें सिंह, श्वान, शुकुर, भैंस और चार मानव ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इस प्रकार नौ प्राणियों की बलि चढ़ाई जाती है। किंतु भैरव नंदन के लिए दो बलि शेष रह गई थी। यह माना जाता है कि बाजनामठ का जीर्णोद्धार 16वीं सदी में गोंडा राजा संग्राम शाह के शासन काल में हुआ, किंतु उसकी स्थापना ईसा पूर्व की है। बाजनामठ को लेकर एक जनश्रुति यह है कि एक तांत्रिक ने राजा संग्राम शाह की बलि चढ़ाने के लिए उन्हें बाजनामठ ले जाकर पूजा विधान किया। राजा से भैरव मूर्ति की प्रतिमा कर साष्टांग प्रणाम करने को कहा। राजा को संदेह हुआ और उन्होंने तांत्रिक से कहा कि वह पहले प्रणाम का तरीका बताए। तांत्रिक ने जैसे ही साष्टांग का आसन किया, राजा ने तुरंत उसका सिर काटकर बलि चढ़ा दी। माघ 6 महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जयंती मनाई जाती है। यह दिन तांत्रिकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। बाजनामठ की एक खासियत यह है कि यहाँ पहले सिर्फ शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, लेकिन अब हर दिन यहाँ भारी भीड़ होती है। यह मंदिर नागपुर रोड पर मेडिकल कॉलेज के आगे संग्राम सागर के निकट स्थित है। तो गाइस, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।